मिलना चाहते हैं, ये सम्मान अगर मुझे मिला तो आपकी बदौलत ये सम्मान मुझे मिला। इन कार्यकर्ताओं की मेहनत, इन कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम है कि आज पूरे देश के अंदर भगत सरदार के मतों से जो देश के अंदर लोग जीते हैं उनमें अगर सातवां आठवां और नौवां दसवां नंबर आता है तो आपके सांसद को भी ऐतिहासिक बहुमत से देने वाली है। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। इस चुनाव के अंदर कई लोगों ने झूठ और छल कपट की राजनीति की। इस चुनाव में कई लोगों ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया। इस चुनाव में कई लोगों ने जाति क्षेत्र पता नहीं क्या क्या मामले चलाने का प्रयास किया। लेकिन मुझे गर्व है बैठे हुए नेतृत्व पर, मेरे सभी कार्यकर्ताओं पर और आप सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों ने, जब अभी हम सम्मान कर रहे थे तो एक कार्यकर्ता जो बूथ का अध्यक्ष है उस बूथ पर 95% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। एक मेरा कार्यकर्ता बूथ का अध्यक्ष जो हरिद्वार समाज का है, उत्तर प्रदेश से लेकर के कई राज्यों में लोगों ने यह भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी 400 सीट जीत जाएंगे तो वो संविधान बदल देंगे, वो आरक्षण समाप्त कर देंगे। ये झूठ चंदला के अंदर भी चलाने का प्रयास किया गया। लेकिन मुझे गर्व है मेरे उस बूथ का अध्यक्ष जो हरिद्वार कार्यकर्ता है जिसने तय किया कि मोदी जी जीतेंगे तो देश आगे बढ़ेगा और उसके बूथ पर भी इतिहास बनाए। ये भाजपा का कार्यकर्ता है। सभी समाजों में मैं सभी समाज के व्यक्तित्व को बधाई देता हूं, अभिनंदन में उद्यारी करता हूं कि सभी समाज वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में प्रचंड बहुमत पर कार्यकर्ता ने जो पसीना बहाया है उसी का परिणाम है मेरे बहनों भाइयों कि आज भारतीय जनता पार्टी केवल 151 बूथों पर चुनाव हारी है। कितनी? 2293 बूथों में केवल 151 बूथ हारे हैं। बाकी सभी बूथों पर कमर खिला है। ये इस बात को साबित करता है कि हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को जनता का, भाई और बहनों का, आम जनता जनार्दन का और सभी समाज वर्गों का समर्थन मोदी जी के नेतृत्व में आज झगड़ा हो लोकसभा में इतिहास बना है। पिछले चुनाव में 64% वोट मिला था और इस चुनाव में जो मेरे भाई और बहनों आपने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि देश के अंदर अगर 6-7 सांसदों ने रिकॉर्ड बनाया तो 68% मतदान, 68% वोट शेयर का रिकॉर्ड चंद्रा और खजुराहो लोकसभा के चुनाव में जनता ने आशीर्वाद दिया। यह आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। यह आशीर्वाद गरीब कल्याण भारत योजना में 5 लाख रुपए का हर गरीब को फ्री में इलाज कराने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। उज्ज्वला योजना में घर घर को गैस कनेक्शन दिया है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल के संकट से वैक्सीन को फ्री में दिया ही था हमारी जान बचाने के लिए। लेकिन मोदी जी ने कहा था कोई गरीब इस भारत के अंदर, इस मध्य प्रदेश के अंदर, खजुराहो के अंदर, चंद्रा विधानसभा के अंदर कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हर गरीब को 5 किलो अनाज फ्री में देने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये भाजपा की ताकत विकास। आज आप देख रहे होंगे चंद्रा के अंदर सड़क बिजली पानी इस क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मेरे भाई दिलीप हरिद्वार जो मंत्री बने और हमारे नेतृत्व मिलकर के
अपने कार्यकाल में बोर होने